जिला जेल पन्ना से अजयगढ़ पेशी पर ले जाए जा रहे कैदी केशर सिंह बहेलिया पुलिस अभिरक्षा से अचानक ही फरार हो गया, जिसके बाद वहां पे हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा केशर सिंह बहेलिया को बस में बैठाकर अजयगढ़ न्यायालय में पुलिस जवानों द्वारा पेशी पर लाया गया था। उसी दौरान वह अचानक पुलिस को चकमा देकर बस स्टैंड से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि केशर सिंह बहेलिया पर पन्ना जिले में 25/27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 302 हत्या का मामला भी दर्ज है। अजयगढ़ से अचानक कैदी के फरार हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी धर्मराज मीना का कहना है कि आरोपी के खिलाफ अजयगढ़ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। थाना अजयगढ़ क्षेत्र में पुलिस की पार्टी अजयगढ़ न्यायालय में एक मुलजिम जिसका नाम शेखर बहेलिया, वो करीब 55 साल से अधिक उम्र का है, वो व्यक्ति न्यायालय से पेशी करने के बाद लौटते समय पुलिस की पार्टी को चकमा देके फरार हो गया है। उस संबंध में पुलिस ने एक मुकदमा थाना अजयगढ़ में दर्ज किया है और थाना अजयगढ़ और अजयगढ़ सब डिवीज़न की टीम साथ ही साथ पन्ना सब डिवीज़न की कोतवाली थाने की टीमें लगातार उसको तलाश कर रही है और जल्दी ही उस फरार मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही साथ जिन कर्मचारियों की इसमें लापरवाही रही है उनकी विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई है और संबंधित कर्मचारियों पर एक्शन भी लिया गया है। वहीं लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों की जांच की जा रही है। जांच उपरांत दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही गई।